जो आप गाना सुनते ना, मेरे अंगने में तुम्हारा यहाँ काम, ये एक्चुअली एक कवाली थी। मेरे अंगना में किसी का क्या काम है, ये गाना था। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये वो गाना गा रहा हूँ। ये तो मेरे ख्याल से मैं उस समय 5-5:30 का हो चुका हूँ। So, ये तब की फोटोग्राफ होगी। जो आप गाना सुनते ना, मेरे अंगने में तुम्हारा यहाँ काम, ये एक्चुअली एक कवाली थी। मेरे अंगना में किसी का क्या काम है, ये गाना था। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये वो गाना गा रहा हूँ। और मैं तब तक लावारिस फिल्म आई नहीं थी, तो ये उस फिल्म के पहले ही गाना मैं गा रहा हूँ। उस पर टाटा टाटा टा, ये वो डांस कर रहा हूँ मैं। ये जो है ना, ये वो डांस है, टाटा 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 टा, मुझे करता था मैं टाटा टाटा टा, ऐसे करता था। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस सॉन्ग। अरे बाप रे बाप रे, ये पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, वो सिकंदर ही दोस्तों, और ये मुहूर्त भी था। अच्छा, जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर का फिल्म। हाँ। सेंटर स्टूडियो है। हाँ। उदित नारायण हैं, मंसूर जी हैं। हाँ। जतिन आमिर को शूटिंग से आए थे मेरे ख्याल से, जूही के साथ पिक्चर की जिसमें कुछ नाग वाग का था। अच्छा, तो वहाँ से डायरेक्ट आए। ये बड़े भाई हैं हमारे, मंदिर भाई। अरे वाह। ही हैज कंपोज्ड क्वाइट सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन आवर म्यूजिक। मुझे मिल जाएगी सर, बिल्कुल अभी के लिए। एक एक कॉपी दोनों के पास पहुंचेगी। यही मजा है, यही मजा है इसका। क्या बात है, कितनी अच्छी। ये बहुत ही खास मुझे लग रहा है, एक फोटो शूट लग रहा है। घर पे शूट हुआ था, आपको याद है? घर पे शूट हुआ था, और ये हुआ था 2016 में। अच्छा। पापा और मैंने यूके टूर किया था। अच्छा। वो अपना हम लोगों का लेस्टर में शो था, डी मॉन्टफोर्ट हॉल में। ओके। और हमारा O2 जो लंदन में इंडिगो करेक्ट हमारा शो था। और आई थिंक पहली बार हमने एज फादर एंड सन टूर किया था, क्योंकि जनरली ऑब्वियसली जब मैं छोटा था तो इट वाज उदित नारायण नाइट, और मैं सीधा ऐसे स्टेज पे चढ़ जाता था और दो तीन गाने गा के आ जाता था। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू नो अ कॉन्सर्ट वाज कॉल्ड उदित एंड आदित्य नारायण लाइव इन कॉन्सर्ट। सो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे गाने भी रिलीज हो चुके थे तभी, रामलीला के। तो आई रिमेम्बर। और हमने इस टूर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की थी। मैं जनरली ऑब्वियसली पापा पहला नशा गाते हैं, बट इस टूर में मैंने पहला नशा गाया था as a tribute to my father. Oh my god, ये 1991 की तस्वीर है जी। और इसका ये फिल्म है, ये भी अमित जी के लिए मैंने गाया था, पंचमदा के लिए, इंद्रजीत, जिसमें अमित जी और नीलम जी थी। वो जब तक जामे है जान, तब तक रहे जवान, हर एक नई सुबह से मांगे नई नई खुशियां, नई नई खुशियां। तो ये पंचमदा ने गवाया था मुझसे, पर ये मेरी अपनी आवाज में था, बाय द वे। अरे अरे, सो दिस इज लाइक उसकी तैयारी रिकॉर्डिंग रूम के बाहर ऐसा कुछ? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग के बाद की फोटो है। ये सारा स्टूडियो में, ये फिल्म सेंटर बॉम्बे सेंट्रल का। मैं अपनी पत्नी को मिला था कॉलेज में, मिट्टी भाई कॉलेज। Before I could even become turn into a composer, which I am Annu Malik today, उन्होंने मेरे सब गाने सुने हुए, मतलब मेरे जो stock वाले गाने बनाता था ना। हाँ, समझ गया। हाँ हाँ। तो जैसे कि I remember मैंने एक गाना सुनाया था जो बाद में मैंने record किया, that was made for Anju, कि शायद तू मुझसे प्यार करती है। Oh really? क्या बात है? वरना मुस्कुराती क्यों, नजरें चुराती क्यों? Something like that. मुस्कुराती क्यों, तो शायद तुम मुझसे प्यार। तो मैंने जब बनाया था एज अ स्टॉक, जस्ट यू नो व्हेन आई मेट हर, आई थिंक आई थिंक यू लव मी बिकॉज़ व्हाई डू यू स्माइल व्हेन यू लुक एट मी। सो शी सेड हू रोट इट, आई सेड आई रोट दिस फ्यू लाइंस। तो मैंने फिर बाद में फिर वो हवालात पिक्चर में गाना रिकॉर्ड किया चिंटू जी के लिए।